चलो आप बताइए कि अब आप कितने एक्साइटेड फिल्म के लिए, क्योंकि अब फर्स्ट आउट। आई थिंक हर फिल्म के पहले, आई मीन अभी एक हफ्ता, आई थिंक एक हफ्ते में रिलीज़ होने वाली है फिल्म। आई थिंक हर फिल्म के पहले मुझे ऐसा लगता है, मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, थोड़ा ना स्ट्रेस हो जाता है कि कैसी फिल्म जाएगी, क्या होगी, क्या होगा। पर मेरे हिसाब से हमने एकदम शिद्दत से ये फिल्म बनाई है, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। और ये मेरा, आई मीन आई फील कि ये फिल्म अच्छी जाएगी। पर क्योंकि हम फिल्म बनाते हैं ऑडियंस के लिए, हम फिल्म बनाते हैं लोगों के लिए, हम जो भी बनाते हैं लोगों के लिए बनाते हैं, एंड होपफुली पीपल लाइक इट। आई थिंक एक कलोकुअल लैंग्वेज होती है कि हम जब एक साथ दोस्तों के साथ बैठते हैं, या यू नो लड़के या लड़कियां जो भी हमारे यू नो करीबी दोस्त हैं, हम जब भी बात करते हैं ऐसे कभी कभार लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं, हमें इतना बड़ा हुहा नहीं बनाना चाहिए, ये कलोकुअल वे ऑफ टॉकिंग है। ऑनेस्टली हर किरदार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, पर अगर मतलब मैं मेहनती हूँ, एंड ऐसा कोई ऐसा पर्टिकुलर चैलेंज नहीं था, पर एवरी फिल्म हैज़ इट्स ओन यू नो थिंग्स। ऑब्वियसली मेरी बहन ने ये फिल्म प्रोड्यूस किया था, तो उसमें एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि ये यू नो यू वॉन्ट टू डू योर बेस्ट। हाँ जी, हाँ जी। सो हाउ प्रेशर इट इज़ फॉर यू वोटिंग दिस रोल ऑफ समथिंग? आई थिंक प्रेशर नहीं होता। आई थिंक हर फिल्म में, जैसे नहीं मैंने कहा कि हर फिल्म में कोई ना कोई चैलेंजेस आती रहती है, और अगर मैं प्रेशर लेती कि यू नो मुझे क्या करना है, मैं फिर मैं काम नहीं कर पाती। आई थिंक आपको हर दिन में कुछ ना कुछ यू नो यू हैव सम चैलेंजेस, कुछ ना कुछ यू नो चैलेंजेस आती रहेंगी, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ टेक इट स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं एक्टर नहीं होती, मैं फिल्म से जुड़ी रहती, मतलब मैं डायरेक्टर होती या राइटर होती, या मुझे एट वन पॉइंट आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया ऑल्सो, लाइक दैट्स वाई आई लाइक जर्नलिस्ट सो मच। आई थिंक द पेन हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, यू नो आप ओपिनियंस बना सकते हैं लोगों के, यू नो यू कैन रियली शेप ओपिनियंस एंड शेप द वे पीपल थिंक। बट मैं बहुत ही खुश हूँ एक्टर, आई थिंक मुझे सूट करता है एक्टर होना। आई थिंक हमें यार एक दो बार किसी ने क्वेश्चंस पूछा है, तो आई वुड से आई वुड लाइक रितिक टू प्ले माय रोल। एवरी फिल्म दैट आई डू आई होप टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स इन सम वे एंड इंस्पायर यंग पीपल, वुमेन एंड मेन, टू काइंड ऑफ लुक फॉरवर्ड एंड फील लाइक दे कैन यू नो ब्रेक द ग्लास सीलिंग इन सम वे। एंड रिया एंड आई हैव ऑलवेज एस्पायर टू मेक फिल्म्स दैट काइंड ऑफ चेंज द माइंड सेट्स ऑफ पीपल एंड एट द सेम टाइम एंटरटेन देम। I'm congratulations to Harsh that his second film is releasing, and I hope it does very, very well. So is there any competition or pressure? No, he is my baby brother. I hope his film does very, very well. ये film बहुत ही memorable रहेगा, क्योंकि ये film जो थी ये you know for another mainstream actress to say okay to do this film, I think ये नई पीढ़ी शुरू करती है film industry के लिए। अगर ये फिल्म अच्छी जाएगी तो ये बहुत सारे यू नो वेज हमारे लिए खोल देगी, हमारे रोल्स आई थिंक बेहतर हो सकते हैं। यू नो आई होप दैट दिस होल आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन वुमेन गोज अवे। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत खाना खाया और वी हैड फन, स्पेशली थाईलैंड में हमने बहुत मज़ा किया। उसने बहुत ही खूबसूरती से गाना गाया है, और हम वी हैव एक्चुअली ब्रॉट हर डाउन फ्रॉम शिकागो एंड वी आर रिकॉर्डिंग समथिंग ब्यूटिफुल एंड इट्स अ सरप्राइज। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, बाय बाय।